हेलो फ्रेंड्स, दिस इज असोनी सरनार्जुन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट इज सेक्शन 23. सेक्शन 23 प्रोवाइड्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ व्हाट इज अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज अनलॉफुल कंसिडरेशन. बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द ऑब्जेक्ट एंड consideration must be lawful. If the object or consideration of an agreement is unlawful, then it will be void. So we can say that for a valid contract, the object and the consideration must be lawful. हम सेक्शन 10 में ये पढ़ के आए हैं कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होना है तो उसकी कुछ कंडीशंस थी, जैसे कि पार्टीज कॉम्पिटेंट होने चाहिए, कंसेंट फ्री होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होना चाहिए. अब सेक्शन 23 में इन्होंने ये बताया है कि क्या क्या चीजें लॉफुल है और क्या अनलॉफुल है. अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका जो इन्होंने कहा है ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, इसमें थोड़ा सा अंतर हम पहले समझते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए और कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए. इसको देखिए हम क्या करते हैं, एक इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं. जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है ए, ठीक, ए क्या करता है, ए बी से एक कॉन्ट्रैक्ट करता है और क्या कहता है इससे, ए मेक्स एन एग्रीमेंट टू बी टू सेल हिज कार. ए के पास एक कार है जो ये बी को बेचने के लिए करता है. बी पूछता है किसका कंसिडरेशन कितना होगा, मतलब कितना पैसा होगा. ए कहता है किसका कंसिडरेशन सिर्फ इतना है कि वी जो है वो जेड का मर्डर कर दे. ए बी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें ए अपनी कार बी को बेचता है और कहता है कि उसके बदले में पैसा कुछ नहीं देना है, बस उसके बदले में वो क्या कर दे, जेड का मर्डर कर दे. ए मेक्स एन एग्रीमेंट टू वी टू सेल हिज कार एंड द कंसिडरेशन इज दैट वी विल कमिट द मर्डर ऑफ जेड. यहां पे ये जो कंसिडरेशन है ये क्या हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा. हेयर कंसिडरेशन इज अनलॉफुल. अब इसी इलस्ट्रेशन में देखिए हम क्या करते हैं, ए है बी को फिर अपनी कार बेचता है, ए बी को अपनी कार बेच रहा है और जब बी कहता है कि इसके कितना पैसा होगा तो ये बता देता है 10 लाख रुपए जो है वो इसका प्राइस होगा. बी कहता है कि ठीक है, एग्री, और ये मुझे तुरंत दे दो, मैं अभी जो है वो आपको पैसे दे देता हूं क्योंकि मुझे इस कार का यूज करना है जेड का मर्डर करने के लिए. ए मेक्स एन एग्रीमेंट विद बी टू सेल हिज कार एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट कार इज टू कमिट द मर्डर ऑफ जेड. वो कार खरीद क्यों रहा है, कार खरीदने के पीछे उसका ऑब्जेक्ट क्या है, कार का ऑब्जेक्ट क्या है, कार क्यों ले रहा है, जिससे कि वो जेड का मर्डर कर सके. अब इस इलस्ट्रेशन में जो कंसिडरेशन ये 10 लाख रुपए दे रहा है ये क्या है, वैलिड है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट इसका है ये क्या है, वॉइड है. मतलब यहां पे कंसिडरेशन जो है वो अनलॉफुल है, यहां पे कंसिडरेशन तो लॉफुल है बट ऑब्जेक्ट क्या है, अनलॉफुल है. अब अगर हम एक चीज और देखें तो आपको पता है कि इफ एनी एग्रीमेंट इज डन एंड द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट इज अनलॉफुल देन दैट एग्रीमेंट विल बी वॉइड. अब देखिए वॉइड एग्रीमेंट एक चीज हो गई, इलीगल एग्रीमेंट या अनलॉफुल एग्रीमेंट अलग चीज हो गए. अब अगर अनलॉफुल है और वॉइड है देन the most important question arises that what is the difference between void agreement and illegal agreement.
हमें ये देखना है कि वॉइड एग्रीमेंट में और इलीगल एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए वॉइड एग्रीमेंट तो वो है जो इन्होंने किसी न किसी सेक्शन में दे दिया है, जैसे माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो माइनर्स एग्रीमेंट, मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष में इन्होंने कह दिया है। बाकी 20 में जैसे वॉइड की बात की गई है, इसके बाद 23 अनलॉफुल के लिए हो गया, इसमें वॉइड की बात की गई है। अब देखिए हम कह सकते हैं कि ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल, कि अगर इलीगल है तो वॉइड होगा ये पक्का है, लेकिन हर वॉइड इलीगल हो ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो बट माइनर्स एग्रीमेंट इज नॉट एन इलीगल एग्रीमेंट। माइनर के साथ अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो इलीगल नहीं है लेकिन वॉइड है। तो वॉइड और इलीगल में एक तो हम कह सकते हैं कि ऑल एग्रीमेंट्स ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स शुड नॉट बी इलीगल, ये नीड नॉट टू बी इलीगल, कि ये जरूरी नहीं है कि जितने भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो वो इलीगल भी हो, लेकिन अगर इलीगल है तो वॉइड जरूर होगा। एक और डिफरेंस होता है जो एक मतलब जो वॉइड एग्रीमेंट है उसका कोलेटरल वैलिड होता है, वॉइड का कोलेटरल वैलिड होगा बट द कोलेटरल एग्रीमेंट ऑफ एन इलीगल एग्रीमेंट विल ऑल्सो बी वॉइड। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए, आज का लेक्चर बहुत टेक्निकल होने जा रहा है तो इसमें कई टेक्निकलिटी आप देखेंगे, मजा भी आपको आएगा अगर एक दो बार अच्छे से सुन लेंगे, और नहीं तो फिर तो टेक्निकल है तो घूमते रहिए टेक्निकलिटी में। जैसे मान लीजिए ए है, ठीक है, ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, बी है माइनर, ए बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बी क्या है माइनर है, और ए कह रहा है बी से कि इसको आप 10,000 रुपीज दे दो, बल्कि इसको ऐसे मत देखो आप, फिर से देखिए, ए बी से एक एग्रीमेंट करता है, उसे कहता है कि उसको 10,000 रुपए दे दीजिए, बी माइनर नहीं है, ए बी से ये एग्रीमेंट करता है कि उसको 10,000 रुपए चाहिए, किस लिए चाहिए है, क्योंकि इसे एक मेन कॉन्ट्रैक्ट करना है बी के साथ, सी के साथ, और सी क्या है माइनर है, ए बी से एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और उससे 10,000 रुपए ले रहा है और कह रहा है कि इस 10,000 रुपए का ये क्या करेगा सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब बी इसको बताता है कि सी जो है सी तो माइनर है, तो माइनर से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो वॉइड हो जाएगा, ये कहता है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम हमको पैसा दो बस। तो ए क्या करता है बी से 10,000 रुपए ले लेता है। अब तो ए का मेन एग्रीमेंट है ये सी के साथ है, इसका कोलेटरल जो है वो किसके साथ है बी के साथ है, अब जो ए का सी के साथ जो ये माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये क्या होगा इट विल बी वॉइड। अब ये वॉइड होगा लेकिन इसके वॉइड होने से इसका जो ये है कोलेटरल ये वॉइड नहीं हो जाएगा, ये वैलिड बना रहेगा, मतलब ए बी जो है वो ए से 10,000 रुपए वसूल सकता है, लेकिन इनके बीच में जो क्या हो जाएगा वॉइड हो जाएगा। मान लीजिए इसी इलस्ट्रेशन को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, ए बी से फिर 10,000 रुपए लेता है और कहता है कि इन 10,000 रुपए से ये क्या करेगा सी का मर्डर करवाएगा किसी से, ए बी से 10,000 रुपए लेता है और मेन एक कॉन्ट्रैक्ट करता है सी के साथ और सी से क्या करता है कि कोई जेड है उनका मर्डर करवा देगा। फिर से देख लीजिए, ये देखिए ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट, देखिए इसमें ए बी सी डी ई ये इधर उधर हो सकते हैं, उससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमें केवल कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है। जैसे ए और बी है, ए ने बी से क्या किए 10,000 रुपीज ले लिए और क्या कहा कि ये सी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा जाके, और सी क्या है माइनर है,
तो यहां पे ए और सी के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अब ये वॉइड इसको वॉइड नहीं करेगा, मतलब ये क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। क्यों? क्योंकि जो वॉइड है, द कोलैटरल एग्रीमेंट ऑफ वॉइड इज नॉट वॉइड, इट विल बी वैलिड। लेकिन मान लीजिए ए फिर बी से पैसा लेता है, भाई मान लीजिए 10,000 ही ले लिए, और किस लिए लेता है, कहता है ये पैसा हम सी को देंगे और सी क्या करेगा, जेड का मर्डर करेगा। यानी कि मेन एग्रीमेंट इसका सी के हो जाता है और ये एग्रीमेंट किस बात का है, जेड को मर्डर करने के लिए। और ये बात बी को पता है, बी इस बात को जानता है कि इसने 10,000 रुपए किस लिए लिए हैं, सी से जेड का मर्डर करवाने के लिए। तो ए जो सी को मर्डर करने के लिए कह रहा है ये क्या है, ये अनलॉफुल है। और ये जब अनलॉफुल या इलीगल है तो कोलैटरल एग्रीमेंट ऑफ इलीगल इज वॉइड, ये भी वॉइड हो जाएगा, ये भी वॉइड हो जाएगा। मतलब कि अब बी जो है वो ए से पैसा वसूल नहीं सकता। यानी कि देखिए दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है, क्या क्या, एक तो अनलॉफुल कंसिडरेशन और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, दूसरी बात व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलीगल एग्रीमेंट एंड वॉइड एग्रीमेंट। कंसिडरेशन का मतलब समझ लीजिए, जो समथिंग इन रिटर्न हमें मिल रहा है वो अगर अनलॉफुल है तो कंसिडरेशन अनलॉफुल हो गया। अब कंसिडरेशन तो हमने लॉफुल दिया है, लेकिन जो एग्रीमेंट कर रहे हैं उसके पीछे ऑब्जेक्ट अगर हमारा कोई अनलॉफुल है तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो जाएगा। इसका मेन डिफरेंस हम ये कह सकते हैं कि कोलैटरल एग्रीमेंट ऑफ वॉइड इज वैलिड बट कोलैटरल एग्रीमेंट ऑफ इलीगल इज वॉइड। केवल इतना हमें दो कॉन्सेप्ट पहले ध्यान में रखने हैं, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 23। सेक्शन 23 में इन्होंने बताया है कि कौन कौन सी चीजें अनलॉफुल होंगी, या हम ये कह सकते हैं कि कौन सी लॉफुल होंगी, क्योंकि एक अगर हमें पता लग जाएगी तो दूसरी अपने आप हमको पता लग जाएगी। सेक्शन 23 में इन्होंने कहा है ऑल द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट इज लॉफुल अनलेस, क्या कहा इन्होंने कि ऑल द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन आर लॉफुल अनलेस, कि कुछ चीजें बताई हैं अगर उनसे नहीं किया गया है तो क्या हो जाएगा, लॉफुल हो जाएगा। अनलेस फर्स्ट इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, अनलेस इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। पहला इन्होंने क्या कहा है कि अगर इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, अगर ये फॉरबिडन बाय लॉ है, मींस इफ एनी लॉ डिनाइज टू डू एनी एक्टिविटी एंड मेक इट पनिशेबल, देन इट इज सेड दैट दैट एक्टिविटी इज फॉरबिडन बाय लॉ। अगर लॉ में किसी भी चीज को मना किया गया है और उसको पनिशेबल बना दिया गया है तो इसका मतलब है ये कहा जाता है ये फॉरबिडन बाय लॉ है। इफ एनीथिंग इज फॉरबिडन बाय लॉ देन इट इज कॉल्ड अनलॉफुल। जैसे ए ने बी से एग्रीमेंट किया किस बात के लिए, कि ये 100 रुपया ले लो और तुम इसके बदले में क्या करो, बी के यहां चोरी करके हमें दुआ के, क्या है, अनलॉफुल है। अगर ए ने बी से क्या किया, एग्रीमेंट किया और कहा कि ये इतना हम तुमको 10,00,000 रुपया देंगे, तुम क्या करो, बी का मर्डर कर दो, क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ है। तो ये सब चीजें किसमें आ जाएंगी, फॉरबिडन बाय लॉ हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इफ इट अलाउज इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ, इफ अलाउज डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। फर्स्ट क्या हो गया, फॉरबिडन बाय लॉ है। सेकेंड क्या है, डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है, बट इफ इट अलाउज इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ इट विल बी अनलॉफुल एंड वॉइड।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई एक एग्रीमेंट हुआ, उसने कहा कि ठीक है आप लिमिटेशन पीरियड से बाउंड नहीं होंगे, एक एग्रीमेंट कर लिया, आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट में लिमिटेशन पीरियड होता है 3 इयर्स का, और किसी ने एग्रीमेंट और कह दिया ठीक है चाहे 10 साल बाद भी जो है वो हम तुमसे पैसा वसूल सकते हैं। अब ये क्या हो गया, अगर इस चीज को अलाउ कर दिया गया तो क्या होगा, लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजन क्या हो जाएंगे, डिफीट हो जाएंगे, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि 3 साल के अंदर ही आप रिकवरी कर सकते हैं, उसके बाद टाइम वार्ड हो जाएगा आपका डेट। तो अगर ऐसा कोई, या मान लीजिए किसी ने एक एग्रीमेंट किया कि ठीक है आप इस बच्चे को अडॉप्ट कर लीजिए, उसके बदले में आप हमें इतना पैसा दीजिए, अब अगर इस चीज को अलाउ कर दिया गया तो एडॉप्शन होता है, ठीक है, उस एडॉप्शन में यह है कि वो विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए, कि जब भी आप किसी को अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसके बदले में आप कोई पैसा नहीं देंगे। इस प्रोविजन को अगर हम अलाउ कर देंगे, या जैसे मान लो मैरिज की बात आ जाए, कोई किसी की मैरिज की बात कराए और ये कहा जाए कि अगर मैरिज करा रहा है किसी के लेकिन वो जो है माइनर है, अगर इसको अलाउ कर देंगे चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो है उसके प्रोविजन क्या हो जाएंगे, डिफीट हो जाएंगे। तो सिंपल सी चीजें हैं, सेक्शन 23 प्रोवाइड दैट ऑल द कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल अनलेस इट इज नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, सेकेंड if it allows it would defeat the provision of other law, third fraudulent, third one is fraudulent, if the agreement is fraudulent then it will be illegal and void। अब देखिए यहां पे एक बहुत ही टेक्निकल चीज हम पढ़ने जा रहे हैं जिससे जो है क्वेश्चन हमेशा गलत होता है, कैसे, हम सेक्शन 17 में पढ़ के आए हैं कि फ्रॉड की वजह से अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो वो क्या होता है, वॉइडेबल होता है। सेक्शन 23 ये कह रहा है कि इफ द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फ्रॉडुलेंट देन इट विल बी इलीगल एंड इफ एनी एग्रीमेंट इज डन विद इलीगल विद अनलॉफुल और इलीगल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इट विल बी वॉइड, ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। यहां पे एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए बी एंड सी ये तीन लोग हैं, ये तीनों एक एग्रीमेंट करते हैं किस बात का, कि ये एक फ्रॉड करेंगे और उस फ्रॉड का जो पैसा है उसको शेयर करने का। ए बी एंड सी आर एग्रीड टू एंटर इनटू अ टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट विच विल बी गेन्ड बाई फ्रॉड। अब अंतर समझिए, अगर किसी के साथ आप कोई फ्रॉड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट वॉइडेबल हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ लोग एक एग्रीमेंट कर रहे हैं इस बात को कि वो किसी के साथ फ्रॉड करेंगे जो उसका पैसा है उसको आपस में शेयर कर लेंगे, तो ये फ्रॉडुलेंट में आ जाएगा सेक्शन 23 में और क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। फोर्थ, इफ इट कॉजेज इंजरी टू एनी पर्सन और प्रॉपर्टी, अगर कोई एक एग्रीमेंट करते हैं जिसमें किसी पर्सन को इंजर्ड करने का या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का एग्रीमेंट होता है तो वो भी क्या होता है, इलीगल होता है। कोई भी कर लिया, जैसे हमने किसी से एग्रीमेंट किया कि ये हम आपको 10,000 रुपए देंगे आप क्या करो इसको पीटो, इलीगल हो गया। हमने कहा कि हम आपको 10,000 रुपए देंगे अगर आप क्या करो इसके खेत में आग लगा दो, क्या हो गया, इलीगल हो गया। तो अभी हमने सिर्फ 4 पॉइंट पढ़े हैं, क्या क्या पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 ऑल ऑब्जेक्ट्स और कंसिडरेशन इज लॉफुल इफ अनलेस forbidden by law, allows it would defeat the provision of other law, fraudulent, causes injury to any person or property. Fifth one is immoral or against the public policy, immoral or against the public policy, यानी कि ये सिक्स पॉइंट जो है
किसी भी कंसिडरेशन को या उसके ऑब्जेक्ट को अनलॉफुल बना देते हैं. क्या क्या? फर्स्ट, अगर ये फॉरबिडन बाय लॉ है अनलॉफुल हो जाएगा. इफ इट अलाउज इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ अनलॉफुल हो जाएगा. इफ इट इज फ्रॉडुलेंट अनलॉफुल हो जाएगा. इंजरी टू एनी पर्सन और प्रॉपर्टी अनलॉफुल हो जाएगा. इफ इट इज इमोरल, अगर इमोरल है तब भी अनलॉफुल हो जाएगा. एंड इफ इट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी. ये 6 पॉइंट्स हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन को अनलॉफुल बना देते हैं. अब देखिए इमोरल, द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज इमोरल, बिकॉज मॉरल्स और मॉरेलिटी चेंजेस विद टाइम एंड प्लेस. बिकॉज मॉरेलिटी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी. मॉरेलिटी क्या है, मॉरल्स क्या है, एथिक्स क्या है, ये सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी कर जाती है. समथिंग मे बी मॉरेलिटी इन इंडिया बट नॉट इन इंग्लैंड. हो सकता है कि यहां पे कोई चीज जो मॉरल हम उसको मानते हैं, दूसरी जगह उसको मॉरल नहीं मानते हैं. जैसे सती प्रथा किसी टाइम में एक मॉरेलिटी माना जाता था और बाद में वो क्या हो गया, ऑफेंस हो गया. एडल्ट्री अगर आप देख ले, आज तो अलग लॉ आ गया है, ने किसी टाइम में क्या था, हमारे एडल्ट्री एक ऑफेंस था और इंग्लैंड में ऑफेंस नहीं था. तो अब मॉरल्स क्या है, इसकी इजेक्ट डेफिनेशन, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन देना बहुत मुश्किल है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन द टर्म मॉरेलिटी बिकॉज मॉरेलिटी चेंजेस विद द टाइम एंड प्लेस. सोसाइटी टू सोसाइटी, सोसाइटी टू सोसाइटी हमारे मॉरल्स क्या होते हैं, चेंज रहते हैं. फिर भी इन्होंने दो इलस्ट्रेशन दिए हैं. मॉरेलिटी का मतलब है ये कोई भी ऐसी चीज जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट ना करे. फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन जो है एक से एग्रीमेंट करता है कि ठीक है भाई, आप हमको अगर 10 लाख रुपए दे दें तो हम अपनी बेटी जो है वो आपके साथ भेज देंगे, आप उससे जो है प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाइए जाके, ये इमोरल हो जाएगा. ये भी हो सकता है कि जैसे ए ने बी, अब बी जो है वो वाइफ है, मान लीजिए सी की, बी वाइफ है सी की. अब ए ने बी से क्या एग्रीमेंट दिया है, बोले आप ऐसा करो, हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, आप सी को डिवोर्स कर दे दो और हमसे मैरिज कर लो. तो हमारे यहां इसको क्या माना जाएगा, इमोरल माना जाएगा. ठीक है, तो ये कुछ इलस्ट्रेशन क्या हो गए, इमोरल के हो गए. 5 चीजें आपने देख ली, फॉरबिडन बाय लॉ, इफ अलाउज इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ, फ्रॉडुलेंट कॉजेज इंजरी टू एनी पर्सन और प्रॉपर्टी, एंड 5th वन इज इफ इट इज इमोरल, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड 6th एलिमेंट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी. अब पब्लिक पॉलिसी के क्या क्या अगेंस्ट में है, यानी कि जो पब्लिक की नीति है, लोक नीति जो है उसके विरुद्ध में है. अब क्या क्या चीज आ जाएंगी, इसके जो इलस्ट्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे कई क्वेश्चन आते हैं, हमेशा बेटा गलत होते हैं. देखिए अगर हम देखें अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, फर्स्ट ट्रेडिंग विद एनिमी, ट्रेडिंग विद फर्स्ट जो है ट्रेडिंग विद एनिमी इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ एन एक्टिविटी विच इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट. क्योंकि देखिए, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, चाहे यहां पे आप वॉर ऐड भी कर लीजिएगा, कि जब किसी देश के साथ वॉर चल रहा है, क्योंकि जब वॉर चल रहा होगा तभी वो एनिमी कंट्री होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा, चाहे संबंध कितने भी खराब हो. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर जो है, अब
ये कहा जाता है कि आप उस देश से जिससे आपका वॉर चल रहा है उससे आप कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन मान लीजिए कि एग्रीमेंट जो है वो वॉर से पहले ही स्टार्ट हो गया है या पहले ही कर लिया गया है, वॉर स्टार्ट होने से पहले अगर एग्रीमेंट कर लिया है तब क्या होगा? इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि वो बेनिफिट दे, किस चीज में? वॉर में। जिस देश के साथ हमारी लड़ाई चल रही है और हमने जैसे आर्म्स का या और इन चीजों का हमने जो है उसके साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट किया है जो उसको उस युद्ध में क्या करेगा, बेनिफिट देगा, तो वो तो तुरंत बॉयड हो जाएगा। और मान लीजिए कोई एक ऐसा है नो बेनिफिट इन वॉर, कोई एक ऐसा एग्रीमेंट किया गया था वॉर स्टार्ट होने से पहले जो उसको बेनिफिट नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सस्पेंड होगा। क्या होगा? ये सस्पेंड हो जाएगा। अब जब ये सस्पेंड हो जाएगा, इसके जैसे वॉर खत्म हो गया तो विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अलाउ कर देगा तो ये परफॉर्मेंस की जा सकती है। तो जो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी हेड है हमारा, उसको फर्स्ट हमें पढ़ना है ट्रेडिंग विद एनिमी कंट्री, और एनिमी कंट्री के साथ ट्रेडिंग का मतलब हो गया कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर अ पर्सन इज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद दैट एनिमी कंट्री, क्लियर। लेकिन मान लीजिए वॉर स्टार्ट होने से पहले ही अगर उसने कोई एग्रीमेंट कर लिया हो तो दो कंडीशन होंगी। अगर वो एग्रीमेंट इस नेचर का है कि वॉर में उसको बेनिफिट करता है दुश्मन देश को, तो वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर वो उसको बेनिफिट नहीं कर रहा है तो वो सस्पेंड हो जाएगा, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो उसको अलाउ कर देगी। तो एक तो ये आपका हो गया ट्रेडिंग वॉर, एक होता है हमारा स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन ये हमारा हो गया नंबर दो, या हम कह सकते हैं टू स्टिफिल द प्रोसिक्यूशन। स्टिफिल का मतलब होता है सप्रेस करना या उसको दबा देना। स्टिफिल का मतलब क्या हो गया? उसको दबा देना। मतलब यह हुआ कि अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जो किसी प्रोसिक्यूशन को दबा देगी, क्योंकि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या कहता है कि अगर किसी ने ऑफेंस किया है तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, अगर कोई ऑफेंस किया गया है तो उसके अगेंस्ट में चार्ज फ्रेम होने चाहिए और उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई पर्सन है और उसने क्या किया है, वो आई विटनेस है किसी ऑफेंस में, कोई पर्सन आई विटनेस है किसी ऑफेंस में। मान लीजिए ए ने कोई ऑफेंस किया और बी ने उसको ये ऑफेंस करते हुए देख लिया, तो बी क्या हो गया? आई विटनेस हो गया। अब बी अगर ए के साथ एग्रीमेंट करे कि ठीक है तुम हमको 10 लाख रुपया दे दो और हम तुम्हारी ये बात किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि उसकी तो ड्यूटी है कि उसको कोर्ट पुलिस को बताना चाहिए और इसके ऊपर चार्ज फ्रेम होनी चाहिए, इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए क्योंकि इसने ऑफेंस किया है। तो अगर ये ऐसा कोई भी एग्रीमेंट करता है जिसमें किसी प्रोसिक्यूशन को या किसी केस को दबाया जाता है, केस को फाइल ही नहीं होने दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा? ये इलीगल होगा और वॉइड हो जाएगा। अब बेटा आपके मन में ये आ सकता है कि अब आपस में ये कर लेंगे तो पता कैसे लगेगा? मान लो दो लोग आपस में एग्रीमेंट कर ले, किसी को पता ही नहीं लगे। अब पता ही नहीं लगा तो अलग बात है, पता लग गया ठीक है तब कहा जाएगा उससे। अच्छा दिक्कत कब आएगी? हम क्राइम की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे कॉन्ट्रैक्ट की। दिक्कत तब आएगी मान लो इस टाइप का एग्रीमेंट हो गया ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने गवाही नहीं दी, अब वो इसके पैसे नहीं दे रहा है, या दूसरी तरफ से आप देखो कि उसने 10 लाख रुपए भी ले लिए आई विटनेस जो था, और जाके उसने उसके अगेंस्ट में गवाही भी दे दी, पैसा भी ले लिया और गवाही भी दे दी। तो अब ये नहीं कह सकता कि इन्होंने हमसे 10 लाख रुपए लिए थे और देखो हमारे खिलाफ गवाही भी दे दी। तो अगर किसी भी प्रोसिक्यूशन को आने से रोका जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा। ये क्या कहलाता है? टू स्टिफिल प्रोसिक्यूशन या स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। थर्ड, इंटरफेरेंस इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरफेरेंस इनटू द
कोर्ट ऑफ जस्टिस। सेकंड क्या हो गया था, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। थर्ड क्या हो गया, इंटरफेरेंस इनटू द कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब देखिए, कोर्ट इसलिए है कि न्याय मिलना चाहिए, और कोई पर्सन ऐसा अगर कोई एग्रीमेंट करता है जिससे न्याय मिलने में बाधा पहुंचे, इंटरफियर हो, तो वो भी क्या होगा, इलीगल होगा। अब ये दो तरह से हो सकता है, जैसे मान लीजिए ए के ऊपर कोई केस चल रहा है और ये कोई जज साहब है, ठीक है। अब जज साहब जो है वो सब लग रहा है कि नहीं नहीं ये गिल्टी है, लेकिन जज साहब ने क्या किया, पैसा ले लिया और पैसा लेके इसके फेवर में जजमेंट दे दिया। अब ये ए भी पैसा दे सकते हैं, हो सकता है इनका कोई फ्रेंड हो वो जाके उनको पैसा दे दे जाके। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ठीक, ये एग्रीमेंट जो है ये क्या होगा, इलीगल होगा। मान लो जज साहब ने इनके फेवर में पैसा दे दिया, ठीक है, उसके बाद मतलब जज साहब ने इनके फेवर में क्या किया, जजमेंट दे दिया। अब ए ने पैसा आधा पहले दे दिया था, बोले आधा हम बाद में दे देंगे जब आप जजमेंट दे दोगे। अब आधा पैसा दे ही नहीं रहे, जज साहब केस कर रहे हैं कि हमारे इनके बीच में एग्रीमेंट था कि हम इनको जो है वो इनोसेंट प्रूव कर देंगे, और ये क्या करेंगे, हमको 10 लाख रुपया देंगे, 5 लाख दिया, 5 लाख दे ही नहीं रहे, ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, इलीगल होगा और वॉइड हो जाएगा। और स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन एंड इंटरफेरेंस में डिफरेंस क्या होता है, स्टिफलिंग में प्रोसिक्यूशन मतलब कि केस को आने ही नहीं दिया जाता है, केस को आने से रोका जाता है, उसको स्टिफल किया जाता है। और इंटरफेरेंस में क्या होता है कि रनिंग केस होगा तभी तो इंटरफेयर करोगे आप, भाई इंटरफेयर तभी होता है जब कोई चीज चल रही हो, ठीक। स्टिफल का मतलब उसको जो है आप आने ही नहीं दोगे। यहां क्या है, चल रहा है, अब मान लीजिए हमने तो एक एग्जाम्पल पहला जो इलस्ट्रेशन मान लो जज का दिया, दूसरा ये भी हो सकता है कि जैसे कोई आई विटनेस है और वो आई विटनेस मेरे अगेंस्ट में गवाही देने जा रहा है, हमने उसको पैसा दिया, हमने भाई देख 10 लाख रुपया ले लो, मेरे फेवर में गवाही दे देना, मेरे अगेंस्ट में ना देना, ये भी क्या है, इंटरफेरेंस इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस है। या ये भी हो सकता है कि हम उससे कहते हैं कि यार ऐसा है ये लो 10 लाख रुपया, तुम कोर्ट जाना ही नहीं, तुम गवाही मत दो, ये हमसे पैसा ले लो, ये भी क्या है, इंटरफेरेंस हो गया। तो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी में फर्स्ट हमारा था ट्रेडिंग विद एनिमी कंट्री, फर्स्ट ट्रेडिंग विद एनिमी कंट्री हो गया। सेकंड हमारा क्या हो गया, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। थर्ड हमारा क्या हो गया, इंटरफेरेंस इनटू द कोर्ट ऑफ जस्टिस। फोर्थ देखिए, फोर्थ जो है ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है,